67 कोस चौड़ाई है, 96 कोस लंबाई मिथिला धाम है। ये साधारण बात नहीं है बाबू, 64 कोस चौड़ाई का, 96 कोस लंबाई का। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है। ये चारों का बीच भूमि मिथिला धाम है। 32 इधर है, 32 इधर है, 48 इधर है, 48 इधर है, बीच मिथिला ये धाम है, कोई देवता ऋषि नहीं बताया। फिर महाराज जनक को अकस्मानी आ रहा है, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। कितना दूरी होगा, आप पढ़े लिखे हैं, हम मूर्ख आदमी हैं, जीवन में कभी भट्टा नहीं धरे हैं, नहीं, लेकिन 1 योजन का 4 कोस जमीन बना है, 3 योजन का कितना होगा, 12 कोस। 12 कोस महाराज जनक को अकस्मानी मिला है, तुम अपनी महल से पश्चिम चलकर वो धरती पर हर चलाओ जनक, तुम्हें राज में बारिश होगा। महाराज जनक पहुंचे हैं सीतामढ़ी, सुन रहे हैं उस दिन कोई सीता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ दोस्तों मैं नंदलाल गुप्ता दोस्तों, आज मैं आड़ी में और आपको विजिट कराने वाला हूँ जग जननी माँ जानकी पृष्ठभूमि पुनौराधाम सीतामढ़ी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते, फाइनली मैं आ गया हूँ माँ जानकी जन्म स्थली पुनौराधाम। ये मंदिर आप देख रहे हैं जहाँ पे माता जी का जन्म हुआ था, अभी आगे चल कर बताऊंगा। एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको रूट क्लियर कर दूँ, तो जो मेन गेट यहीं से हम लोग अंदर आए थे, देख पा रहे हैं आप लोग, यहीं से हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पे बहुत सारे देखिए आपको होटल सोटल, यहाँ उधर थोड़ा दिखाइएगा, उधर देखिए प्रसाद जो वितरण वाला जो होता है ना, पूजा वूजा का कार्यक्रम लोग करते हैं, यहाँ पे लोग आकर कर सकते हैं। आगे चलेंगे मैं आपको पूरा यहाँ के इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं स्वागतम मुख्य मंदिर, यहाँ धर्मशाला है, और यहाँ पे ये सीधा आपको गेट देखने को मिल जाता है। बाकी आने पे एक अलग सुकून फील हो रहा है, यहाँ पे काफी आनंद में हो रहा है। आपको बताते चलो, वैसे भी मैंने रामायण का बहुत सारी चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, और कवर करते जा रहा हूँ। जैसे रामायण का शूटिंग लोकेशन मैंने कवर कर लिया, उसके बाद अयोध्या कवर किया, जहाँ से उनका पूरा इस तरीके से बात करें तो प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली थी, और आज मैं आ गया हूँ माता जानकी जी की जन्मस्थली। यही मंदिर है और यही पुनौरा गांव है। जैसा कि माना जाता जब अकाल पड़ा हुआ था तो यहाँ के राजा जनक थे, उनके जो मतलब पुरोहित लोग थे वो बोले कि भीषण अकाल पड़ने के कारण कि हल चलाने के लिए बोले थे, तो बहुत ऋषि मुनि के मनाने के बाद ये हल चलाते हैं, और उसी में एक घड़ा मिलता है जहाँ पे माता जानकी जी का शिशु निकलता है, जहाँ पे माँ जानकी का स्थली होता है। इसके जस्ट आपको पीछे देखने को मिल जाएगा एक कुंड बना हुआ है, इनका मंदिर है, और जो पीछे कुंड है जोतते हल जोतते समय जहाँ पे जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है कि अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे अगर कोई भक्तगण स्नान करता है तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। चलिए आगे सारे नजारे दिखाते, मंदिर का भी अंदर का भी आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गया सीता कुंड में, और यहाँ का क्या इतिहास है अब पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये इतिहास कैसा आज तक कोई चैनल पर इतनी बारीकी से नहीं बताया होगा, लेकिन बाबा जी आज के डेट में 75-76 साल हो गया, काफी दिन से आ रह रहे हैं, तो काफी अच्छी खासी इनके पास जानकारी भी, और अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अच्छा बाबा, ऐसा भी माना जाता है क्या कि मतलब मान लीजिए अगर कोई आता है इसमें नहाता तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, ये भी पूरा है, जल ले जाइए। हाँ, ये जल घर पर भी इसको मन से आप यहाँ मन मान कर जाओ। अच्छा, माता जानकी, अच्छा, माँ सीता, तेरे धरती से, तेरे तालाब से, अच्छा, हम जल मट्टी ले जा रहे हैं, हमें मनोकामना पूरा करो, हम तुम्हें आकर वहाँ माँ का तेरी दरबार में जहाँ तक सकेंगे आपकी सेवा करेंगे। और गंगा की तरह जल पवित्र माना जाता है ना। हाँ, संतान के कुछ लोग बोलते हैं संतान के उत्पत्ति होते हैं, जो भी कुछ आप हृदय में मान के जाइए आपको पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये मेरी दावा है। तो दोस्तों देख सकते कितना बड़ी बात, और सबसे अच्छी बात कि कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ तीनों लोग के देवता जो थे आए थे ना, फिर तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पाए, और इसका इतिहास जो रहेगा अब बाबा के माध्यम से हम लोग सुनने के लिए। अपना नाम बता दीजिए आप। नाम हमें सरजुग दास, सरजुग दास बाबा का नाम। अब ये धरती को हिस्ट्रिया बताते हैं, ये धरती को बनाया है रावण, माँ सीता को प्रगट किया है रावण। अच्छा, रावण कैसे प्रगट किया है ये धरती से माँ जानकी को, जैसे रावण ने अपना राज में टैक्स लेने का आदेश लगाया, उनका दूतों ने पूरे लंका से टैक्स लेकर जमा करवा दिया। चार गो ऋषि जंगल में भजन करते थे, उनके पास रावण को दूत गया, रावण को दूत बोला ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। कुंद्र ऋषि ने बताया रावण के दूत, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन करते हैं, हमारे पास 1 रुपया मिलेगा नहीं,
हम रावण को टैक्स देंगे कहाँ से, तुम चले जाओ आपस। रावण से जाकर कह देना हम चार ऋषि जंगल में भजन करते हैं, हम लोग रावण का टैक्स न देंगे। रावण को दूत आपस चला गया रावण को पास। रावण ने पूछा सबसे टैक्स लाया, उन्हें बताया सबसे टैक्स लेकर लंका में जमा करवा दिया, चार गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो टैक्स देने से इनकार गया। रावण अगर ये बात को मान जाता तो ये धरती नहीं बनता, माता सीता धरती से जन्म नहीं ले पाता। रावण ये बात को माना नहीं। रावण ने बोला कि हमें राज में ऋषि क्या भक्ति करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, हम टैक्स को मानेंगे नहीं, तुम चले जाओ वो ऋषि से टैक्स लेकर आओ। जैसे रावण ने आदेश दिया, ये माटी का नया घड़ा लिया, माटी का नया ढक्कन। रावण को दूत कुंद्र ऋषि के पास दोबारा जाकर पहुंचे हैं, जाकर बोला ये बाबा अब की बार तेरे रावण की आदेश है, अब की बार टैक्स माफ नहीं होगा। रावण कुंद्र ऋषि ने बोला कि रावण के दूत तेरे कहना भी ठीक है, रावण को राज में बच्चे हैं, रावण जो कहेगा वो काज करना पड़ेगा, आओ हम रावण को टैक्स चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया, अपने हाथ से यौड़ी चीर कर बाबा टैक्स के बदले घड़ा में खून डाल दिया, दूसरी बाबा डाल दिया, तीसरी बाबा डाल दिया, चौथे बाबा डालकर एक खैर मुनि नाम का ऋषि चौथे बाबा है, चौथे बाबा ने समझाया है रावण के दूत मेरी बात तुम सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है, अब ये तू घड़ा उठाओ रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। रावण के दूत ये शराब की घड़ा उठाया, मुड़ी पर रख कर रावण को दिशा चल दिया। ये जाते जाते कुछ दूरी धीरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे, रावण हो हु मन हुलासा, जैसे रावण दिल में खुशियाली लुटने लगे कि ऋषि लोग से दूत हमें घड़ा लेकर आपस आ रही है, घड़ा में फल फूल देकर भेजे हैं, आज खाकर लंका में हम आनंद लेंगे। जब तक रावण का दूत ये घड़ा लेकर पहुंच गया, रावण को सामने रख दिया, रावण ने पूछा तुम घड़ा में क्या लाया है, वो ने बताया प्रभु घड़ा में कुछ नहीं, घड़ा में कुछ नहीं है, इसमें सुंदर सामान है। रावण ने बोला क्या सुंदर है तूने बता, सुन लो बाबू ये मिलेगा नहीं, चार ऋषि घड़ा में खून और चीका डाल दिया, चौथे साधु ढक्कन लगाकर बंद करके हमें समझाया, रावण के दूत ये घड़ा उठाओ रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु अब ये घड़ा को हम लंका में क्या करें, ऋषि ने श्राप देकर घड़ा लंका में भेजा है, रावण को सामने घड़ा रखाया है ये रावण को विनाश करने के लिए। रावण ये चीज पर विचार करने लगे, सोचने लगे कि ये घड़ा लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे राज में गड़वाते हैं ताकि उन्हें नुकसान कर जाएगा, हम फायदा में बचेंगे। रावण का ये चीज का याद आया है, बहुत दिन पहले की बात है, शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे, जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुंचे हैं, रावण पहुंचे हैं, दोनों आदमी ये प्रवचन सुनकर महाराज जनक ने रावण को आदेश लगाया कि रावण तुम अपनी प्रवचन सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया, जनक महाराज उत्तर किया, वो धरती पर रावण हार गया। जब रावण हारा है तो महाराज जनक से सवाल लगा दिया कि महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है, साधारण बात से जनक तुमने हरा दिया, याद करके रखो आज से हमें तुम्हें दुश्मनी बैर पैदा ये धरती पर हो गया, हम किसी भी मौका समय तुमको पाएगा जनक, ये धरती पर बदला सधाएगा। वो दिन रावण कहकर आपस चला गया था लंका, लंका। आज रावण का याद आया है, ये शराब की घड़ा जो ऋषि भेजा है, ये सोच लिया कि जनक को राज में गड़वाते हैं ताकि जनक का बर्बाद कर देंगे, हम आबाद रह जाएंगे, यही धरती है माँ सीता का।
उस दिन ये तालाब नहीं है, ये शहर जमीन है, ये तमाम दुनिया जंगल है। उस कोना से महाराज रावण ने अपना रथ से भेजा है अपना दूतों का, रात में जमीन खोदवाया है और जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 साल के लिए ये जनक का मिथिला राज में अकाल पड़ गया। अच्छा, 12 साल तक, 12 साल का अकाल पड़ा। जब ने अकाल पड़ा है, अन्न बिना पानी बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा है, महाराज जनक से जाकर बोले हैं कि महाराज जनक, इतनी बड़ी तेरे ये मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से विदाई हो गया। महाराज जनक, तुम अपने हाथ से ये धरती पर कोई जग करो, आकाश से वर्षा उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान बचाओ, मिथिला धाम का आगे बढ़ाओ, नहीं तो मिथिला धाम का नाम बुता जाएगा। महाराज जनक, महाराज जनक कल जोर कर बोले कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन कल से हम शुरू कर लेंगे। कल होकर महाराज जनक ये अपने राज में घूमकर ये जग पूजा शुरू कर दिए। जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 2-4-5 साल बीत गया, लगातार जग चल रही है, लेकिन 5 साल तक, लेकिन आकाश से बूंद नहीं गिरा। महाराज जनक जग कर रहे थे, जो जग में यकस्मानी आया है, महाराज जनक तुम लाख ये जग करोगी, लाख पूजा करोगी, तेरे राज में वर्षा ना होगा। महाराज जनक को मन ये बात सुनकर बहुत बड़ा दुखी हो गए। महाराज जनक के बात को विचार सोचने लगे, जब तक रावण घड़ा ये गाड़ा है, जिस घड़ा को 11 वर्ष 8 महीना ये जमीन के अंदर में समय पूरा है, 12 साल में 4 महीना बकाया है। महाराज जनक को दोबारा यकस्मानी आ रहा है। महाराज जनक, एक सवाल तुमसे हम और देते हैं, ये सवाल तुम पूरा करना, तुम्हें राज में बारिश होगा, नहीं तो बारिश का संभावना नहीं है। महाराज जनक कल जोर कर बोला कि हे प्रभु, आप जो आदेश दीजिएगा ये धरती पर पालन करने के लिए महाराज जनक हाजिर है। महाराज जनक को दोबारा यकस्मानी आया, महाराज जनक तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तभी मिथिला में वर्षा होगा। महाराज जनक ने कल जोर कर बोला हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन हम करेंगे। महाराज जनक के जग समाप्त करके महल के पास पहुंच रहे हैं, जहां घर है जनकपुर। वो धरती पर पहुंचकर शाम को महाराज जनक ने ऋषि मुनि विद्वानों का बुलाकर बैठक कर दिया कि हे देवता, हे ऋषि, हम किस देश में जाकर, किस धरती पर जाकर हम हर चलाऊ, आकाश से वर्षा उतारू, पृथ्वी से अनाज उपजाऊ, प्रजा का जान बचाऊ, मिथिला धाम का ऊंचा से पहुंचाऊ कि 20 का लोग जानेगा कि ये मिथिला धाम है। कोई देवता ऋषि नहीं बताया है कि महाराज जनक तुम उत्तर में जाकर हर जोतो, या पूरब में जाकर जोतो, या दक्षिण में जाकर जोतो, या पश्चिम में जाकर जोतो, कोई नहीं बता पाया है। महाराज जनक ने बोला कि 64 कोस चौड़ाई है, 96 कोस लंबाई मिथिला धाम है। ये साधारण बात नहीं है बाबू, 64 कोस चौड़ाई का, 96 कोस लंबाई का। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है, ये चारों का बीच भूमि मिथिला धाम है। 32 इधर है, 32 इधर है, 48 इधर है, 48 इधर है, बीच मिथिला ये धाम है, कोई देवता ऋषि नहीं बताया। फिर महाराज जनक को अकस्मानी आ रहा है, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। कितना दूरी होगा, आप पढ़े लिखे हैं, हम मूर्ख आदमी हैं, जीवन में कभी भट्ठा नहीं धरे हैं, नहीं, लेकिन 1 योजन का 4 कोस जमीन बना है, 1 योजन का 4, 3 योजन का कितना होगा, 12 कोस। 12 कोस महाराज जनक को अकस्मानी मिला है, तुम अपनी महल से पश्चिम चलकर वो धरती पर हर चलाओ जनक, तुम्हें राज में बारिश होगा। महाराज जनक पहुंचे हैं सीतामढ़ी, सुन रहे हैं उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं, ये तमाम दुनिया जंगल है। महाराज जनक बिना नापी का वो धरती पर पहुंचे हैं, जंगल कटवाया, रात झोपड़ी बनवाया, रात भर महाराज जनक, जिसका 64 कोस चौड़ाई का राज है, 96 कोस लंबाई का, वो जंगल में रात भर भ्रमण कर रहे हैं, सो रहे हैं।
साधारण बात नहीं बुझिएगा। महाराज जनक रात भरों में विश्राम लिया, बिहान खनि आदमी को आदेश लगाया है कि अब धरती को नापी करो जनकपुर से यहाँ तक, 12 कोस कहाँ पूरेगा, वो धरती पर हमें चलकर हलेष्टी जग करना है। यहाँ से 1.5 कोस नापी में है, यहाँ से 12 कोस जनकपुर से पश्चिम आया है, यहाँ से 1.5 कोस अलग नापी में हुआ, वो धरती का नाम महाराज जनक रखा है हलेश्वर स्थान। हलेश्वर स्थान महाराज जनक झोपड़ी छोड़कर हलेश्वर स्थान पहुँचे हैं, कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर महाराज जनक जग शुरू किए हैं। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टी जग चला, जग समाप्त करके महाराज जनक वो धरती से बिहान खनि 6ठा दिन हो गया, वो धरती से बैल को कंधे पर महाराज जनक हर पालो लगाया है, सोना का हर है, सोना का पालो है, पूरा श्रृंगार उनका सोना का है। वो धरती से 1.5 कोस जमीन से जोतते हुए ये धरती पर पहुंच रहे हैं, यहाँ से आपस चल गया है महाराज जनक। 88,000 ऋषि माँ सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगाया है, यहाँ से चला गया 1.5 कोस, फिर आपस आया 1.5 कोस, फिर जा रहा है 1.5 कोस, फिर आ रहा है 1.5 कोस, जैसे बैल को लभाया है एक कोना के नजदीक से, जमीन के अंदर रावण घड़ा जो गाड़ दिया था, हर जमीन खोद कर चलता था, रावण को घड़ा में हर का फार फंसा है, बैल थोड़ा सा अटक गया, बैल ताकत लगाकर जमीन के अंदर से उछल कर लाया है, 7 सखी सिंहासन के साथ है, माता जानकी 8वां है, जैसे जमीन को ऊपर उछला है, आकाश से वर्षा आया है, फूल के वर्षा आया है, 88,000 ऋषि से ये धरती पर नारा लगा है, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय। ये माँ का जन्मभूमि है, 7 सखी सिंहासन इधर जमीन के अंदर गुप्त हो रहा है, इधर जमीन के अंदर रावण को घड़ा जो बचा हुआ था वो घड़ा फूट रहा है, इधर गुप्त हो रहा है, इधर घड़ा फूट रहा है, जैसे वो गुप्त हुआ घड़ा फूट गया, आधा घड़ा हट गया, आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे, और रोते समय वो धरती पर माँ सुनैना खड़ा है, ये जनक पुत्री जानकी समझकर बच्ची को गोद लिया है, वो धरती से 10 कदम आगे आया है, महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लेकर कुंद्र ऋषि को दे दिया। कुंद्र ऋषि ने बोला महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, मेरे पास जमा क्यों कर दिया। महाराज जनक ने कल जोर कर बोला कि हे प्रभु, ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है, एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण में ये धरती कुंद्र ऋषि को दान दिए हैं, ये धरती पर जो आमदनी आएगा मालिक कौन बनेगा, कुंद्र ऋषि बनेगा। कुंद्र ऋषि ने कहा महाराज जनक तेरे कहना भी ठीक है, मेरी बात तुम थोड़ा सुनो, तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, तुम हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना, बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें सोमवार करना पड़ेगा जनक। महाराज जनक कुंद्र ऋषि से बच्ची आपस लिया है, सोना का डोली सजा दिया, सोना का वो हार लगा दिया, 32 वो ऋषि को आदेश मिला है, अब ये डोली उठाओ, हम लोग जनकपुर चलो। चलने का संभावना जब बना है, ये तालाब देख रहे हैं माँ सीता को, 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोदा है, गमछा चदर में बांधकर 2 किलो 4 किलो अपनी घर को आपस ले गया है चंदन करने के लिए। ये सीता माँ का नाम पर आज के दिन में सीता माँ का तालाब बन गया है, बोलो सीता मैया की जय। अब यहाँ से महाराज जनक डोली लेकर जनकपुर चल दिए, यहाँ से कितना दिन बाद फिर जनक डोली लेकर निकलते हैं, यहाँ से अभी निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं ना, उसी दिन हाँ। यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है तो रहेगा कहाँ, यहाँ से डोली उठाकर चल दिए हैं जनकपुर हाँ। यहाँ से जाने लगे 2 किलोमीटर आगे गया, जिस धरती पर जनक महाराज झोपड़ी बनाकर ठहरे थे उस झोपड़ी तक पहुंच रहे हैं, आकाश से बारिश दोबारा आया है, महाराज जनक को दिल में बसा है ये बच्ची ठंडा बरसात से मर जाएगा, ये बच्ची को डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छिप जाएगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। 5 दिन तक
मुसरक धार वर्षा हुआ लगातार लगातार बूंद नहीं छूट पाया। लगातार मूसलाधार बारिश से बोलते हैं, होते रह गया। बिहान छठा दिन हो रहा है, रात में बारिश छिप गया। पांचवा दिन बिहान छठा दिन हो रहा है, माता सुनैना महाराज जनक 88,000 ऋषि मिलकर माँ का वो धरती पर छठियार पूज दिया है। वहां से चला है डोली उठाकर, कहाँ पे जहाँ पे छठियार पूजे हैं, जानकी मंदिर वहाँ भी सीतामढ़ी में है, मंदिर है। वहां से डोली उठाकर जब चला है, वो धरती का नाम महाराज जनक रखा है, सीतामढ़ी। आज के दिन में सीतामढ़ी, बोलो सीता मैया की जय। अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।